शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। लॉकडाउन, आंधी तूफान और तेज मूसलाधार बारिश से ढगे परिसर हुड़केश्वर स्थित नागपुर प्रदर्शनी पूरी तरह से जमींदोज हुई है, जिससे कई स्टॉल धारकों का लाखों का नुकसान हुआ है। शहर के जिला प्रशासन पीड़ितों को न्याय दे और हुए नुकसान का मुआवजा दे, ऐसी मांग पीड़ितों ने की है। हुड़केश्वर परिसर में नागपुर प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। कई राज्यों से आए स्टॉल धारकों ने इस नागपुर प्रदर्शनी में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था, लेकिन लॉकडाउन लगने से और आंधी तूफान के साथ जोरदार हुई बारिश से सभी स्टॉल धारकों का लाखों का माल जमींदोज हो गया। इससे स्टॉल धारक भी काफी प्रभावित हुए हैं। भूखे मरने की नौबत उन पर आ पड़ी है। ऐसे में पीड़ितों ने अब उपजिलाधिकारी को अपने तमाम मांगों का ज्ञापन दिया है और उनसे मदद की गुहार भी लगाई है। ढगे बंगले परिसर में जिस प्रकार से वो नागपुर प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसके चलते आंधी तूफान के आगे में पूरी तरह से जमींदोज वो प्रदर्शनी हो गई थी, जिससे लाखों का नुकसान हुआ था, इस बात को लेकर नागपुर के जिलाधीश रविंद्र ठाकरे इनसे, ये तमाम समिति के लोग उनसे जाके मिले, उन्हें ज्ञापन भी दिया। आखिरकार ज्ञापन में क्या लिखा था, इनकी क्या मांग है, ये आइए इनसे जानना चाहेंगे। मैंने ये बताया कि जिस तरह से ये ज्ञापन जो आपने दिया है, क्या कहना चाहोगे? सर, हमने ये माननीय जिला अधिकारी साहब को दिया हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री साहब को दिया हुआ है और प्रधानमंत्री भारत सरकार को दिया हुआ है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भी नुकसान हुआ है वो शायद कहीं ना कहीं से हमें मिलना चाहिए। आज हमारे पास में 100 जैसे मकान वाले हैं, जैसे 100 स्टॉल वाले हैं, उनका हमें रोज़गार कहीं ना कहीं से शायद ही भारत सरकार हमें दे सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ये अपने को केंद्र सरकार के तरफ से जो भी है वहाँ से अपने को मिलना चाहिए। आज कोरोना 19 की वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, उसमें 200 या 250 150 लोग ऐसे स्टॉल धारक थे, उन सभी का नुकसान हुआ। उसमें से कई स्टॉल धारक यहाँ भी उपस्थित है। मेरी बस यही गुजारिश है कि जिन लोगों का अभी सब व्यवसाय बंद है, उनको सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ मदद मिले, बस इतनी दरखास्त सरकार से है। तो प्लीज़ हमारी मांगे पूरी कीजिए और हेल्प कीजिए। कहीं से भी थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल जाती है तो हमको उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो बस आपसे यही अनुरोध है कि आप थोड़ी बहुत हमारी हेल्प करें। थैंक यू। जिलाधिकारी को जो ज्ञापन दिया, क्या प्रमुख मांग थी आपकी, क्या आप कहना चाहेंगे? जिलाधिकारी साहब को जो दिया हुआ है ज्ञापन, उसके लिए हमारी यही मांग है कि पूरे दुकानदार को कुछ ना कुछ व्यवसाय तो भी होना चाहिए, और यही व्यवसाय के साथ साथ में कुछ अगर भरपाई भी अगर हमारी हो जाती है तो आगे में काम चालू होने के लिए अच्छा हो जाएगा सबके लिए, और सभी दुकानदार है, झूले वाले है। उन्होंने क्या आश्वस्त किया आपको? एक महीने का टाइम दिया हुआ है, एक महीने में उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है कि हो जाएगा गतिविधि। तो नागपुर के जिलाधीश रविंद्र ठाकरे, इन्होंने इन लोगों को एक माह का अभी समय दिया है, देखना ये होगा कि एक महीने के भीतर में इन लोगों के कितने कामकाज जिला प्रशासन आता है, क्योंकि इन लोगों का लाखों का नुकसान हुआ है। इसमें कोई दोराय नहीं है, क्योंकि जब हमने स्पॉट एंकरिंग किया तो हमने आपको वो विजुअल में पूरा बताया। इस समय भी आप विजुअल देख रहे हो कि किस तरह से इन लोगों का आंधी तूफान के आगे लॉकडाउन के चलते पूरे कार्यक्रम जो प्रदर्शनी है जमींदोज हो गई थी, लाखों का नुकसान हुआ था। इन लोगों को खाने के लिए इनके पास एक दाना भी नहीं है, ऐसे में इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, यही गुहार जिला प्रशासन से लगाते हुए इन लोगों ने अभी ये ज्ञापन दिया है। अब देखना ये होगा कि एक माह के अंदर इनका कामकाज होता है या और भी समय लगता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसी न्यूज़ नागपुर।